हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में भी आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो का जो टाइटल होने वाला है वो टाइटल है हाउ टू ग्रो योर हेयर लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सी माई हेयर। अभी अभी मैंने यू नो हेयर वॉश लिया है और मैंने कोई भी इसमें आयनिंग या कोई हेयर ड्रायर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। और ये मेरे नेचुरल हेयर है, मीन्स कि मेरे हेयर स्ट्रेट नहीं है, वेवी हैं। सो अब नाउ डेज जो मैं हेयर ऑयल जो यूज़ कर रही हूँ, क्यों ना आपके साथ भी मैं उस हेयर ऑयल को शेयर करूं, क्योंकि वो जो हेयर ऑयल मैंने बनाया है ना गाइज, वो बहुत 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 इफ़ेक्टिव है और वो सीरियसली वर्क करता है गाइज। सो ये है हेयर ऑयल, DIY हेयर ऑयल जो मैंने खुद घर पे बनाया है। और मे बी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। सो मुझे अपने बालों में बहुत फ़र्क महसूस हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी इस हेयर ऑयल को शेयर करूँ। सो बहुत सारी बातें हो गई, अब जल्दी से शुरू करते हैं कि मैंने ये हेयर ऑयल कैसे बनाया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस हेयर ऑयल के लिए आपको यूज़ करना है कंटेनर। आप लोहे की कढ़ाई का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल। इट्स अप टू यू कि आपको कितनी क्वांटिटी का बनाना है। सो इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी पतंजलि का कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। अनियन यहाँ पर यूज़ करती हूँ बिकॉज एवरीबडी नो दैट अनियन जो है आपका अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देन आफ्टर आई एम यूजिंग दी मेथी दाना। मेथी दाना आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कलौंजी, जो कि बालों को नेचुरली ब्लैक रखने में यू नो हेल्प करती है। और ये है रतन जोत, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। मामा ने मुझे बताया था तो मैंने इसको ऐड कर दिया था हेयर ऑयल पे। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा लीव्स, जिसको मैंने यू नो पीसेस पे कट कर लिया था। आपको उसको ऐड करना है, थोड़ी देर के लिए इसको गर्म होने देना है गाइस। ओके, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसको गर्म होने के बाद आपको जो है अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देना है और जिस कंटेनर में आपने इस हेयर ऑयल को बनाया है उसी में उसको ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने इसको स्टोर कर लेना है एयर टाइट कंटेनर में। मैंने बहुत सारा बना लिया था बट मेरे से वो वीडियो डिलीट हो गई थी, तो मैंने आपके लिए फिर से थोड़ा सा हेयर ऑयल अभी बनाया है। ओके, सो आपको एयर टाइट कंटेनर में इसको रख लेना है अच्छे से विद दी मटेरियल। सो अभी टाइम हो रहा है चंपी का, मैं चंपी करवा रही हूँ। आप भी रात को ही इस हेयर ऑयल को यू नो नहाने से पहले यूज़ करें इस तरह से। और जब चंपी हो जाए तो इट्स अप टू यू कि आप इसकी ब्रेड बना लो बालों की या तो आप यू नो बन बना लो। तो आई एम कंफर्टेबल विद दी बन, तो मैं अभी बन बना दूँगी इन बालों का और जा रही हूँ सोने। सो गाइज, नेक्स्ट डे आप देख सकते हो गाइज, मतलब हेयर वॉश करते हैं ना, आपको किसी भी कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गाइस कि हाँ जी आप बस अपने किसी भी फेवरेट शैम्पू के साथ हेयर वॉश कर लो एंड देन सी द रिजल्ट गाइस। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे गाइस, ट्रस्ट मी। सो गाइस, ये था हेयर ऑयल जिसको मैंने मसाज भी किया, हेयर वॉश भी किया। पहले के हेयर कैसे थे और अभी के हेयर कैसे हैं, मीन्स कि मेरे हेयर जो है ना गाइज अभी झड़ते भी नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम फेस की है जब मैं हिमाचल में नहीं थी, मतलब आउट ऑफ हिमाचल थी। सो मेरे जो बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता था, सो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने हेयर कट भी लिया, स्पा भी लिया, मेडिसिन मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो मैंने हेयर ऑयल भी बहुत सारे यूज़ किए, पर वो कहते हैं ना कि एक ही हेयर ऑयल में यू नो सारे गुण नहीं होते हैं। तो मैंने क्या किया, सारा ही मिक्सचर लिया और उसको एक ही हेयर ऑयल में कंबाइन कर दिया और बना दिया अपना DIY हेयर ऑयल। ट्रस्ट मी गाइज, इसको एक बार मतलब एक बार से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन्स अगर आप यू नो वीक में 3 times अपने हेयर वॉश करते हो तो 3 times इसको अप्लाई करो। इसको हफ्ता भर यूज़ करो गाइज, 1 week इसको यूज़ करो। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं लगाना तो आप मुझे बताना फिर, क्योंकि ये जो हेयर ऑयल है ना ये ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए सूटेबल है गाइज। सो आई जस्ट होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी गाइज तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और इस हेयर ऑयल को यूज़ करना मत भूलिएगा गाइज। सो बाय बाय, टेक केयर।